पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संगम नगरी प्रयागराज में माघ पूर्णिमा स्नान पर्व के बाद 3 दिन तक चलने वाले त्रिजटा स्नान का समापन हो गया है। वहीं अब पूरी तरीके से कल्पवासी संगम की रेती से विदा हो रहे हैं और सभी कल्पवासी पौष पूर्णिमा स्नान से पहले संगम की रेती पर आ गए थे और एक महीने तक कल्पवास करने के बाद अब वो अपने घर लौट रहे हैं। हालांकि माघी पूर्णिमा स्नान पर्व पर ही कई कल्पवासी लौट गए थे, लेकिन अधिकतर कल्पवासी त्रिजटा का स्नान करने के बाद अब लौट रहे हैं। त्रिजटा का स्नान माघी पूर्णिमा के बाद लगातार 3 दिन तक होता है और इन 3 दिनों में कल्पवासी गंगा स्नान करते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं, दान देते हैं और उसके बाद अपने घर लौटते हैं। वहीं कल्पवासियों के टेंट को भी निकालने का काम शुरू हो गया है। हालांकि कल्पवासियों ने कहा है कि साल भर तक वो संगम में आने का इंतजार करेंगे और वो इस संकल्प के साथ घर जा रहे हैं कि अगले साल कल्पवास में वो फिर आएंगे। देश है और ये पल जो है भावुक तो है ही, लेकिन कहते हैं आगमा पाइनो नित्यांत तांतितिक्षस्व भारत, ये शाश्वत सत्य है आना और जाना, लेकिन धर्म करना है, देश की रक्षा करनी है। देश की रक्षा के लिए हम सभी को, साधु हो, भक्त हो, गृहस्थ हो, सभी को देश की रक्षा प्रथम है, उसके लिए काम करना चाहिए। देश के भविष्य की कामना करनी चाहिए कि हमारा जीवन, हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल हो, और उसी कामना के साथ हम लोगों ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए नाना प्रकार के उद्यम किए हैं और हम आप सभी के रक्षा के लिए निरंतर भगवान से कामना करते रहेंगे। हम सभी सुखी, संपन्न और समृद्धवान बने। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।